हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे हथेली में पाए जाने वाले धन त्रिभुज यानी मनी ट्रायंगल के बारे में। जी हाँ, ये अगर व्यक्ति के हाथ में हो तो उसको जीवन में कभी भी धन की यानी मनी की, रुपए की कभी कमी नहीं होगी। वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। मेरे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे हाथ में ये यहाँ पे केतु पर्वत से या तो निकलती है या ये चंद्र पर्वत माना जाता है। इससे एक रेखा सीधे शनि पर्वत पे जाए और एक रेखा यहाँ जीवन रेखा से निकल के बुध पर्वत की ओर जाए। और ये बीच में ये हमारी हृदय रेखा है और ये माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा। तो इन तीनों के मिलने से जो यहाँ पे ट्रायंगल का निशान बनता है, ट्रायंगल सिंबल बनता है, ये हमारे धन की तिजोरी माना जाता है। अगर व्यक्ति के हाथ में ये मिलता हो, कुछ लाइन कटी नहीं हो, तो उसके जीवन में कभी भी धन की या मनी की कभी कमी नहीं होगी। इसको अगर किसी रेखा ने बीच में काटा हो तो उसका थोड़ा असर व्यक्ति के लाइफ में कम टाइम के लिए आता है कि उसको कोई मुसीबत आए, लेकिन ये उसको लाइफ टाइम मनी रहती है। यहाँ पे अगर शनि पर्वत पे और भी अगर खड़ी लाइनें हो तो व्यक्ति के लिए और भी अच्छा माना जाता है, यानी उसको उसके वृद्धावस्था में भी कभी रुपयों की कमी नहीं होगी। यहाँ पे अगर वी का सिंबल बन जाता हो इस लाइन से तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इसको भाग्य रेखा कहते हैं या फेट लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा। और ये है मनी ट्रायंगल।